आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो हमने अभी तक जो है माइक्रो प्रोग्रामिंग को खत्म किया, उसके बाद हमने खत्म किया लूप्स को। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग में हमारा सारा चीज आता था, जैसे लूप, कंडीशंस, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सारे चीज हमने किया। अब हम बात कर रहे हैं इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग मतलब कि जैसे कि मैंने कोई माइक्रो बनाया, कोई भी माइक्रो, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे माइक्रो बना रखा है, इस माइक्रो को रन करने के लिए मुझे डेवलपर टर्म में जाके रन करना पड़ेगा, या फिर मैं ऑप्शन पे जाऊंगा और अपना जो शॉर्टकट है शॉर्टकट देके, क्योंकि शॉर्टकट पे को प्रेस करूंगा तो रन होगा, या किसी बटन पे क्लिक करके ही रन होगा। मतलब रन करने की लोकेशन हमारी फिक्स है 2 या 3, राइट सर? जी सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा इवेंट जो है किसी यूजर के किसी पर्टिकुलर एक्शन पे परफॉर्म हो। जैसे कि मैं C1 में जहां जहां भी कर्सर रखूं वहां कलर हो जाए, या C5 में मैं जहां कर्सर रखूं वहीं पे कलर हो, बाकी कोई और कलर हो ही ना। ऐसे तो कैसे करेंगे इसके लिए? तो राइट क्लिक करना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और जाना है व्यू कोड, और फिर यहां से आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है कि कहां पे, तो वर्कशीट पे, और यहां पे एक्शन कि क्या करने पे मेरा कोड परफॉर्म करेगा। तो डिफॉल्ट आपका सिलेक्शन चेंज आएगा, और फिलहाल हमने सिलेक्शन चेंज ही देना है कि एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। अब मैं जहां भी कलर कर्सर रखूंगा आपका वो कलर हो जाएगा। तो जो कलर करने का कोड है ये कब परफॉर्म कर रहा है? जब यूजर किसी सेल को सिलेक्ट कर रहा है, क्लिक कर रहा है। अगर हमने एक एरिया क्लिक किया, सिर्फ सिंगल एक्टिव सेल ही सिलेक्ट हुआ, क्योंकि हमने एक्टिव सेल पे दिया था। अगर एक्टिव सेल की जगह पे अगर मैंने सिलेक्शन दे दिया तो फिर उस सिलेक्शन पे वर्क। ओके जी सर। और जैसे कि यहाँ पे उल्टा करना है हमें कि मैं कर्सर जहां पे हो उसके अलावा कहीं और कलर ना हो, तो सेम व्यू कोड पे जाते हैं हम, यहाँ पे हम वर्कशीट, और यहाँ पे सिलेक्शन चेंज रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि सेल जहां कर्सर पर लग रहा है पहले क्या करे कि जितने भी कलर है पहले से डले हुए उसको कर दे नन, एक्सर NONE नन, और फिर एक्टिव डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू रेड। रमेश जी म्यूट कर लीजिए, आज ग्रुप आ रहे सर। कभी कभी मुर्गी की आवाज सुनने में मजा आता है सर। बोले कर ऐसे ग्रुप आ रहा है ना। इधर नहीं सोता है ना सर मुर्गी। तो जैसे मैं क्लिक करता हूं मेरा वहीं पे कलर होगा। मान लीजिए मैंने सिलेक्शन किया और इस पे मैंने कोई कलर अप्लाई कर दिया, कलर दिख रहा है। जैसे सिलेक्शन हटा के मैं कहीं पे क्लिक किया वो कलर आपका गायब। अब मैं चाहता हूं कि मैं सीट फोर पे जाऊं तो मुझसे एक पासवर्ड पूछे। अगर मैं पासवर्ड दिया तो सीट 2 4 पे जाने दे, अदरवाइज जहां पे है वहीं पर रहने दे, सीट 1 पे रहने दे। तो सीट 4 पे मैं एक व्यू कोड पे जाता हूं, और यहां पे मैं
सिलेक्ट करता हूं वर्कशीट और यहां सिलेक्शन की जगह पे एक्टिवेट और मैंने यहां पे कलर दे दिया कलर डी मैसेज देना है ना इनपुट बॉक्स देना है कि यहाँ पे d इक्वल टू अब यहाँ पे डू व्हाइल लूप लगाएंगे ठीक है कि डू व्हाइल p इज नॉट इक्वल टू थ्री और यहाँ पे p इक्वल टू करेंगे इनपुट बॉक्स लगा देंगे एंटर पासवर्ड और यहां पे लूप अब जैसे मैं सीट इस पे सीट फोर पे जाऊंगा मुझसे पासवर्ड पूछेगा पासवर्ड में यहां पे गलत डाला तो देखिए हटा ही नहीं मुझे इसमें काम ही नहीं करने देगा पासवर्ड करेक्ट डाला तो मुझे काम करने देगा समझ गया लेकिन दिक्कत एक और है इसमें कि जैसे सीट फोर पे जा रहा हूं मुझसे पासवर्ड पूछते समय मुझे इसका डेटा दिख रहा है क्या सर जी सर जी सर मैं चाहता हूं डेटा ना दिखे तो डेटा ना दिखे इसलिए क्या करेंगे देखिए इसके लिए यहां पे हमें देना पड़ेगा सेल्स डॉट विजुअल हिडन सेल्स डॉट एंटायर कॉलम या रो कर लीजिए डॉट हिडन इक्वल टू और जब पासवर्ड डाल देगा लूप से बाहर आएगा तो यहां हो जाएगा फॉल्स ठीक है यहां इस लाइन पे तभी आएगा जो इस लाइन को आगे कर लेगा चलिए सर अब मैं पासवर्ड डालूंगा ओके करूंगा लेटर दिख जाए क्लियर है सर जब हम सीट वन में जाएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा सीट वन में काम करेगा सब पे काम करेगा हमने पासवर्ड सिर्फ सीट फोर के लिए लगाया है ना लेकिन इसमें हम ए नहीं दिया हुआ है कि पासवर्ड गलत और सही का मैसेज नहीं दिया हुआ है जब तक पासवर्ड करेक्ट नहीं करेगा तब तक वो हटेगा नहीं लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं गलत और सही का पासवर्ड हो तो उस केस में फिर आपको दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी कैसे राइट क्लिक किया हमने किया व्यू कोड और यहां पे वर्कशीट और यहां पे हमने एक्टिवेट कर दिया राइट और यहां पे हमने दिया पहले कि dim p as a string and if p equal to 1 string ऐसे इन लोगों को मैं लिखा then seat 3 है ना 3 dot activate else message msg box और यहां पासवर्ड होगा please enter correct password और यहां पे set मान लीजिए 1 dot activate और यहां पे जाएगा ठीक है सर
और यहाँ हमारा आ जाएगा P इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे मैंने दे दिया कि प्लीज एंटर पासवर्ड। अब जैसे ही C3 पे क्लिक करेगा पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड उसने करेक्ट डाला था ठीक है ओके किया, अदरवाइज पासवर्ड इनकरेक्ट, और ओके करते ही वापस सीट वन पे आ जाएगा। समझ गए? एक कोर्स समझ में आया जाहिद जी, सॉरी जाहिद जी तो नहीं आज, महेंद्र जी एंड रुपेश जी, कोई डाउट इसमें? तो मैंने दो तरीके बताए, पहले तरीका आपका ये है और दूसरी तरीका आपके सामने है। ऐसे और भी तरीके हैं, तो एक बार हम अब बात करते हैं जो हमारे और भी जो ये है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये आपका एक्टिवेट होता है, पहला सबसे पहला आपका आता है एक्टिवेट। जब सीट एक्टिव होगा तो क्या होना चाहिए, होता है बिफोर डिलीट। सीट को डिलीट करने से पहले आपको कुछ मैसेज देना है या कुछ करना है तो कर सकते हैं, राइट सर? जैसे सीट का डिलीट करना है बिफोर द डिलीट, मैं चाहता हूं जब भी सीट डिलीट हो सीट का नाम हमारा एक यूजर डेटा हमने बनाया हुआ है जो यहाँ पे यूजर डेटा सीट 6 पे बनाया हुआ है जो कि हिडन रहता है, ठीक है सर? ये हमारा हिडन रहता है, तो मैं चाहता हूं जब भी कोई सीट डिलीट करेगा तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे बिफोर डिलीट पे क्या किया, यहाँ पे कि सीट यूजर डेटा का क्या है 6 डॉट रेंज A65000 डॉट एंड XLSR डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट डिलीट, तो डिलीट लिखने वैल्यू आप दीजिएगा वैल्यू इक्वल टू एक्टिव शीट डॉट नेम, ठीक है? और फिर हमने यहां पे कर दिया 0 और यहां कर दिया 1 और यहां हमने कर दिया 9, और फिर शीट 6 यहां 0 और यहां पे होता है 2, और यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n raw, नहीं एक मिनट में थोड़ा एक मिनट दीजिए सर, मैं इसकी स्पेलिंग बोल रहा हूँ तो बहुत दिन बाद इसको यूज किया। ए आपका होगा एन वायर होता है, माफ कीजिएगा एन वी आई आर ओ एन और डॉलर साइन होता है, इसके अंदर में इंपॉर्टेंट फॉर्म दे दीजिए यूजर ने, किस यूजर ने डिलीट किया है उसका नाम है। राइट सर? ठीक है सर। अब जैसे मान लीजिए हम सीट 5 को ही डिलीट कर रहे हैं, मैंने कोड लगाया कहां पर, सीट 1 पे लगाया हुआ है, एक बार माफ कीजिएगा ये मुझे हर सीट पे लगाना है, तो हर सीट पे इसको कर देता हूँ, या फिर मैं वर्कबुक में हमारे पास है वर्कबुक भी इवेंट होता है क्योंकि हम आगे बताएंगे, तो यहाँ पे आ गया आपको सीट बिफोर डिलीट कर दिया, हाँ सीट बिफोर डिलीट सब पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये हम आगे आपको बताने वाले थे लेकिन एक तरीका बता दिया अपने आपको, अगर C5 को मैं डिलीट करूंगा आप देखो राइट क्लिक यहां से अनहाइड यूजर डेटा, दिख गया सर आपको?
सीट 5 को डिलीट किया गया था कि किस तारीख में कितने बजे और कौन डिलीट किया। तो इस तरह की इवेंट्स डालते हैं। तो यहां जो इवेंट्स है उसको एक बार समझा देता हूं, फिर इसमें वर्कबुक का सीट का। तो यहाँ बिफोर एक काम कीजिए ना सर, इसको आप लोग अपने हिसाब से ये देखिए, इसमें क्या है कि ये सब रन करने की टाइमिंग्स है, बाकी कोड तो आप वही लिखते हैं जो कि आप अपने अभी तक माइक्रो प्रोग्रामिंग में सीखा है। तो एक्टिवेट बिफोर डबल क्लिक, बिफोर राइट क्लिक, कैलकुलेट, चेंज, फॉर्मूला जब अपना रिजल्ट चेंज करेगा, चेंज किस तरह की चेंजिंग हुई, सीट डीएक्टिव हुआ, हाइपरलिंक पे क्लिक हुआ, पिवट टेबल अपडेट हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है। इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें और मुझे दो तीन एग्जांपल बना के भेजिए सर प्लीज। ठीक है सर, ठीक है, और कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके सर, बाय।